साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। 2014 में इलेक्शन के समय में लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया, विदेशों से काला धन आएगा, लोगों के खाते में 15 लाख जमा होंगे, भ्रष्टाचारी गिरफ्तार होंगे, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाई जाएगी, पाकिस्तान थर थर कांपेगा, चाइना को लाल आंखें दिखाई जाएगी, लोगों को हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ी बात कही गई थी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर भाजपा इस देश में आती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 और 35 रुपए लीटर हो जाएगी। किस तरह से लोगों को झूठ बोला गया, किस तरह से लोगों को गुमराह किए गए वोट पाने के लिए। और आज जब जनता सवाल कर रही है तो एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हो तो आप देशद्रोही ठहरा दिए जाते हो। इसके लिए एक इस तरह का माहौल है कि लोग बोलना चाहते हैं लेकिन सिर्फ डर की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात पे हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्वीट्स बताने वाला हूं जो 2012-2013 के ट्वीट्स हैं, जब कांग्रेस की सरकार में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तब ये सारे सेलिब्रिटी सरकार की आलोचना करते हुए ट्वीट करते थे कि सरकार की मनमानी चल रही है। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बाबा रामदेव का वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें बाबा रामदेव लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ठीक है मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है, ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। देखा आपने लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया था। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सबसे बड़े देशभक्त कहे जाने वाले कनाडा के नागरिक अक्षय कुमार, जब 2012 और 2013 में जब पेट्रोल की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, अक्षय कुमार ने उस वक्त ये ट्वीट किया था और कहा था कि क्या हमें अपनी साइकिल को वापस से क्लीन करके रोड पे उतारना चाहिए। हालांकि 2018 में अक्षय कुमार ने उस ट्वीट को ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया क्योंकि काफी सारे लोग उनको उनके पुराने ट्वीट की वजह से ट्रोल करने लगे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस के वक्त तो तुमने ट्वीट करके सवाल पूछा था सरकार से, लेकिन अब सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सरकार से सवाल पूछने लगे और सरकार से अगर सवाल का जवाब मांगने लगे तो उसको भी देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ये वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कनाडा की नागरिकता हासिल की हुई है और ये ट्वीट सिर्फ सरकार के प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ही करते हैं। जब अमेरिका की सिंगर रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था तो अक्षय कुमार ने ट्वीट करके कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है, बाहर के लोगों को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए हमारे देश के लगभग 100 से ज्यादा अन्नदाता की मौत हो गई है, उसके ऊपर अक्षय कुमार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। वहीं 2012-2013 में अनुपम खेर का आप ट्वीट देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपने ड्राइवर को पूछा तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि पेट्रोल इतने महंगे हो गए। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ा करते थे
तो अमिताभ बच्चन भी ट्वीट करके उसकी आलोचना करते थे। जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है वो भी खामोश हैं। किसानों के ऊपर पुलिस की बर्बरता हुई फिर भी वो खामोश हैं। तो ये डर नहीं है तो और क्या है। इस तरह से जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं कि जब हमारे किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए 150 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, तब ये बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी साधे रहते हैं। किसान के समर्थन में एक ट्वीट नहीं कर सकते। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए को पार करने वाली है, लेकिन सारे लोग खामोश हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर सरकार के विरुद्ध कुछ कहा, सरकार के अगेंस्ट कुछ लिखा, तो उनको देशद्रोही कहा जाएगा, या तो कांग्रेसी बता दिया जाएगा, या तो फिर देशद्रोही बता दिया जाएगा, या तो फिर खालिस्तानी सपोर्टर बता दिया जाएगा। तो ये है आज देश का माहौल। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें भाजपा के नेता किस तरह से आलोचना करते थे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, जब गैस घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती थी, तब किस तरह से भाजपा के नेता सड़क पर उतरते थे और सरकार की आलोचना करते थे। सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। लेकिन आज कोई अगर पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के ऊपर अगर कोई सवाल सरकार से पूछे तो वो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।